अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो साइड में आपको दिख रहा है चल रहा है, इसको देखने के बाद आप देखो आराम से। और इसमें एक बात बता देना मुझे कि क्यों आपके कृष्ण भगवान को या क्यों अपने जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उनको निर्लज, गंदा या लड़कियों छेड़ने वाला क्यों ना बोला जाए। देख लो, क्या इस एज ग्रुप में आकर हमारे श्री कृष्ण ऐसा काम करते थे? वो बचपना था, वो अलग चीज़ था यार। लेकिन हमारे तो बच्चे धर्मशास्त्र पढ़ते हैं नहीं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हैं। और ये बॉलीवुड वालों का तो जो चाहे शुरू से ही एजेंडा रहा है कि इसको बदनाम करने का। देख रहे हो आधी राधा की गोपियाँ, जो राधा लोग जो बनी हुई है वो सब क्या कर रही है, आधा छाती दिखा रही है, चेस्ट दिखा रही है, बताओ। और तो बच्चे सवाल उठाएंगे ही कि सच में तुम्हारा भगवान देखो कैसा है, तुम्हारा ये कैसा है, तुम्हारा वो कैसा, तुम्हारा भगवान इस लड़के को छेड़ रहा था, तुम्हारा लोग कैसा होगा। तो भाई नफरत तो बढ़ेगा ही, तो क्या ही करें। ऐसे लोग, ऐसे विज्ञापन बनाने वाले लोग, ऐसे वेब सीरीज बनाने वाले लोग, या ऐसे वीडियो बनाने वाले लोग, ऐसे मूवी बनाने वाले लोगों को क्या ही बोले। खैर क्या ही कर सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना कुछ भी करते हैं। अब बताओ ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से जब आप पुलिस को टैग करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ शायद बंद हो सके।